तो अमूमन पुलिस का रवैया ऐसा ही होता है जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा। अब अगली खबर आपको दिखाते हैं, ये खबर लाचारी का फायदा उठाकर लूट की खबर है। सिकंदराबाद से ये खबर आई है जहां पर बुजुर्ग दंपति से चेन स्नेचिंग के इस वीडियो में एक हैवान की काली करतूत नजर आ रही है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिकंदराबाद में हैवान का जिंदा अवतार, बुजुर्ग दंपत्ति की बेबसी का फायदा उठाकर लूट का ये सीसीटीवी वीडियो सभ्य और सुरक्षित समाज होने के दावों पर जोरदार तमाचा है। ये वाकया है हैदराबाद से सटे सिकंदराबाद का। इस वीडियो को शुरू से देखिए। बुजुर्ग दंपत्ति सड़क से अपने घर लौट रहे हैं। पति दिव्यांग है, डंडे के सहारे धीरे धीरे चले जा रहे हैं। इनके ठीक पीछे एक युवक भी आ रहा है। धीरे धीरे ये युवक इस बुजुर्ग महिला के करीब आ गया और फिर मौका देखते ही अपनी दादी की उम्र की महिला के गले से चेन छीनकर भागने लगा। महिला ने इस हैवान से लड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं रही। चेन स्नैचर को पकड़ने के लिए बुजुर्ग महिला के दिव्यांग पति भी मुड़े लेकिन चार कदम बढ़ने के बाद जमीन पर गिर गए। दोनों चिल्लाते रहे, लोगों से मदद की गुहार लगाते रहे लेकिन किसी ने मदद नहीं की। दिन के उजाले में भी ये हैवान बच निकला। चेन स्नैचिंग की यह वारदात बुधवार को चिकला गुड्डा इलाके में हुई। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस वारदात में दो लोग शामिल हो सकते हैं। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, सिकंदराबाद। अगली खबर दिल्ली से सटे नोएडा से है। नोएडा के सेक्टर 22 से गायब 4 साल की कशिश रावत की तलाश तेज हो चुकी है। 7 दिन से गायब कशिश का अब तक कोई सुराग नहीं चल पाया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं किस तरह से इस बच्ची की तलाश अब हो रही है। ये है कशिश रावत, नोएडा के सेक्टर 22 में रहने वाली 4 साल की मासूम। 7 दिन पहले शाम के वक्त अपने घर से खेलने निकली लेकिन अब तक घर नहीं लौटी। कशिश के घर वाले 7 दिनों से कशिश की तस्वीर लेकर मोहल्ले से पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अब तक पुलिस को कशिश नहीं मिली। कशिश की तलाश में सोशल मीडिया से लेकर शहर की सड़कों पर मुहिम छिड़ चुकी है। गाड़ियों पर कशिश की गुमशुदगी वाले पोस्टर लगे हैं। सार्वजनिक जगहों पर कशिश की तस्वीर लगी है ताकि कोई सुराग मिले। पार्क से गायब हुआ। कितने साल का बच्चा है? 4 साल की। 6 बजे तक मैं इंतजार करती रही उसका, वो नहीं आई घर। कशिश की मां को नोएडा पुलिस बस इतना कह पा रही है कि मामले की जांच चल रही है। ये बच्ची मां, एक कार्यक्रम चल रहा था उसमें प्रसाद लेने के लिए निकली थी। प्रसाद लिया, उसके बाद बच्ची को लास्ट टाइम एक पान वाले ने देखा कि रोती हुई जा रही थी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिसिंग चिल्ड्रन साइट है उस पर भेजा गया है। जितने स्कूल हैं उनमें लगाया गया है पोस्टर्स को और जितने चाइल्ड केयर होम हैं उनको सूचना दी गई है। अभी तक बच्ची का पता नहीं लगा। गृह मंत्रालय के 2015 के आंकड़े के मुताबिक देश में गुमशुदगी के 48,847 मामले सामने आए। इनमें से 29,396 लोगों की तलाश पूरी हुई। वहीं 2015 में दिल्ली में गुमशुदगी के 7,345 मामले आए। इनमें से 4,368 लोग मिल गए। इस लिहाज से दिल्ली में हर दिन करीब 20 बच्चे गायब हो रहे हैं और करीब 12 बच्चे मिल रहे हैं। अमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, नोएडा। तो बच्चों के गायब होने के आंकड़े भी हैरान करते हैं लेकिन पुलिस का एक पैक डायलॉग होता है जो अक्सर आपने भी सुना होगा कि पुलिस जांच कर रही है और पता लगने पर आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन क्या पुलिस जांच कर रही होती है, ये भी जांच का विषय होता है।